हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। आज बहुत दिनों बाद मैंने व्लॉग बनाया है एंड मैं बहुत इरेगुलर हूँ, बट उसका भी व्लॉग जल्दी आएगा। आपको बताऊंगी मैं कि मैं कहाँ थी, क्यों इतने इरेगुलर हो रखी हूँ, क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, सब बताऊंगी। पर आज का व्लॉग है दिवाली पे और आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की आपके परिवार सहित। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, मैं राशि नेगी हूँ एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल। तो चलो शुरू करते हैं हमारा दिवाली का व्लॉग। सबसे पहले हमारे घर के सबसे छोटे मेंबर से मिलेंगे हम, जो हैं बोल्टू जी। हमारे घर के छोटे मेंबर बिल्कुल मज़े से लेटे रहे हैं, नहा धो के इंजॉय कर रहे हैं अपनी दिवाली। और इस मेंबर को पटाखों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, वेरी प्राउड ऑफ यू। पर हम फिर भी इसको अंदर रखते हैं घर में, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं टेढ़ा मेढ़ा रॉकेट आ गया इसको लग गया तो। पर ये बिल्कुल नहीं डरता है, ऐसे छत पे पटाखे फूट रहे होते तो यहाँ वहाँ भाग रहा होता है उनके पीछे। अब हम चलते हैं हमारे मास्टर शेफ से मिलने, जो बना रहे हैं, एक जन बना रहे हैं पूरी, नहीं स्वाले हैं ये, स्वाले। अच्छा, और वो रही हमारी उड़द की पकौड़ी। सर आप कुछ बताएंगे? उड़द की पकौड़ी बन रही है। आप कुछ बताएंगे छोटे शेफ? सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपावली सबके लिए बहुत शुभ हो, दीपावली में सब सुख शांति बनी रहे। और हम बना रहे हैं दीपावली में उड़द की दाल की पकौड़ी। मतलब इतना ब्लॉगर की मम्मी बन गई है ट्रू, एकदम तो वो अपनी कचौड़ी नीचे रख के बोलना शुरू कर दिया। चलो सही है, अभी मैं भी ज्वाइन करूंगी इन लोगों को थोड़ी देर में। बनाती मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, मैं भिखारी बनाती हूँ तो इसलिए एक्सपर्ट्स को ही बनाने देती हूँ मैं। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में? हाँ, थोड़ा सा ज्यादा सा बन रही है ना यहाँ पे अगल बगल में लोगों की, जैसे जिनकी दीपावली नहीं होती ना, हाँ उनको भी देते है ना। अच्छा, उनके घरों में देते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा सा बना रहे हैं। ओके, तो अब ये सारा डेकोरेशन करना है। हमारी काम वाली आंटी के लिए गिफ्ट है। तो ये है हमारा आज का नाश्ता और देखने से तो बहुत टेस्टी लग रहा है। इसको स्वाले बोलते हैं। ये हमारी उड़द की पकौड़ी है और ये नॉर्मल पकौड़ी है, ये घी है। स्नूप डॉग। तो इस बार हम रेडीमेड लाए हैं। लास्ट ईयर अगर आपने दिवाली वाला व्लॉग देखा होगा, उसमें हमने बैठ के बनाए थे, मैंने और प्राची ने। इस बार प्राची नहीं है इसलिए हम रेडीमेड लाए। तो जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, इस बार हमारे लिए हमने रंगोली के दूसरे आर्टिस्ट बुलवाए हैं। हेलो सर, आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल तबाह कर दूंगा। ये है, ये छन्नी है, छन्नी से बनाना है, कुछ तबाह करने लायक नहीं है। ये देखो, बोल्ट इज रेडी फॉर वॉक। तो मैं अपनी रंगोली बनानी स्टार्ट कर रही हूँ। मम्मी बहुत डिफिकल्ट वीडियोस लेके आ रही है, जिसको मैं पूरी तरीके से इग्नोर करूँगी। आपको बाकी पूरी शाम को दिखाई जाएगी। तो हमारे साथ बहुत मेजर इश्यू हो रहा है कि ये एक बेकार पाउडर है और हम पे ज़्यादा कलर्स है नहीं। पापा ऑलरेडी बाहर जा रखे हैं मार्केट के काम से, और जैसे ही मैं डाल रही हूँ ये भी ख़राब है, इससे भी निकल के आ नहीं रहा है इजीली। तो मैं हो चुकी हूँ परेशान, इसलिए मैं जुगाड़ पर डर चुकी हूँ। फिर भी एक लास्ट ट्राई कर रही हूँ। जा, तेरे दोस्त आ गया। तो देखो गाइस, जैसे तैसे मैंने इतना निकाला है और मैंने यहाँ पे फूल से थोड़ा अरेंज कर दिया है, और हम पे अब बस ये कलर बचा है।
सो लेट्स सी, ऐसा लग रहा है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में आई हूँ। लास्ट ईयर मैंने और प्राची ने बहुत मज़े करे थे, और अगर आपने पिछले साल वाला दिवाली का व्लॉग तो सब में बहुत मज़ेदार था, और मैंने बहुत ज़्यादा मज़ा करा था, तो उसका व्लॉग का लिंक मैं यहाँ पे डाल रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, आप देख सकते हो वाला व्लॉग, वो बहुत फ़न था। आई एम श्योर कि प्राची भी मुझे बहुत मिस कर रही होगी इस दिवाली, इतना तो मुझे पता है क्योंकि हमने लास्ट ईयर हम दोनों में बहुत मज़े मारे थे। और इस बार हमारे साथ एक बहुत ही पकाऊ गेस्ट है जो तब से आके फ़ोन चला रहे हैं, सोच रहे इस गेस्ट को भगाने का समय आ गया है घर से। ये देखो ये पकाऊ गेस्ट अब एक्टिंग कर रहे हैं, उससे पहले वरना ये चला रहे हैं तब से। हमें पकाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पक चुके हो तो फिर पक जाओ। तो हमारी जैसे तैसे रंगोली बन गई है और प्यारी लग रही है, इसमें जब दिया रखेंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगी, आपका क्या कहना है सर? तो मेरा घर अभी काफ़ी प्यारा लग रहा है, यहाँ पे ऐसे ही रंगोली आ जाएगी अभी, और इस साइड ये ऐसे है, तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा है ऐसे जो लगा रखा है पूरा ऐसे। तो हम लोग गोलगप्पे खाने आए थे बाहर, और यहाँ पे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, इतनी स्पीड से भाग रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम ही टारगेट ना हो जाए, और हमें गोलगप्पे वगैरह कुछ नहीं मिले, हम वापस जा रहे हैं। यस, अरे बच्ची गई सही। तो हम लोग अभी आए गए क्लिनिक से आए हैं, और सर काफी है, कैसा लग रहा है आपका इम्प्लांट पेशेंट होने वाला है कल? एक्साइटेड। सी यू एट डॉक्टर बरुआज डेंटल एस्थेटिक्स टुमारो, बाय बाय। मेरे लिए सेलिब्रेशन का डब्बा लाए थे और ये खाली है। पापा ये क्या हुआ? नहीं मेरे को तो समझ आ गया था, मैं ऐसे ही बोल रही थी देखने के लिए पापा का रिएक्शन, और वैसे थे खाली है। चलो खेतों में घुस घुस के चला रही है। हम लोग जा रहे हैं अभी हमारे टेनेंट्स के यहाँ। This was Diwali's vlog. I'm very tired, and if you have watched the video here, make sure you subscribe to my channel, like the video, and do press the bell icon. Bye bye. Milte hain next vlog mein.